एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube के PSC अड्डा चैनल पर, और मैं भूपेंद्र सिंह चंद्रावत आज जो संविधान की क्लासेस थी उसका चौथा वीडियो लेके आया हूँ। और इससे पहले हम एक तीन वीडियो देख चुके हैं और उनकी सीरीज का चौथा कंटिन्यू चल रहा है। आज से हम जो संविधान है उसमें व्यवस्थित रूप से पहले तीन वीडियो में हम जो प्रारंभिक चीजें थी वो पढ़ चुके थे, जिसमें हमने अनुसूचियां, संविधान संबंधित प्रमुख तथ्य और संविधान का निर्माण कैसे हुआ वो चीजें हम पढ़ चुके थे। अब हम वीडियो में जो भाग है उसके हिसाब से हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी हम ये बात कर लेते हैं कि संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, भाग कितने और अनुसूचियां कितनी, क्योंकि बच्चों को अक्सर जो अनुच्छेद हैं या मैं कहूँ भाग और अनुसूचियां इनको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि संविधान में वर्तमान में जो अनुच्छेदों की संख्या है वो अभी भी 395 ही है। ध्यान रखिएगा कितनी है वो अभी भी 395 है। देखिए कहीं कहीं आपको 465 447 मिल जाएगा, लेकिन वो एक्चुअल में जो संविधान के अनुच्छेद हैं उन्हीं अनुच्छेदों के उप अनुच्छेद को मिलाने के पश्चात बना है। लेकिन अगर आपसे एक सीधा और सटीक सा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितने हैं, तो वो अभी भी 395 ही हैं। आप अगर आपके सामने ये ऑप्शन आता है तो आप बिना डरे बिल्कुल इसको लगाइए, और मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आपका 395 वाला बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अनुसूचियों की बात आती है, तो हम पिछले वीडियो में अनुसूचियां पढ़ चुके हैं और अनुसूचियां 12 थी जो प्रारंभिक में 8 थी और कुछ संविधान संशोधन के तहत 4 जोड़ी गई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाके उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और उस वीडियो में हमने बड़े बेहतरीन तरीके से बताया है कि आप अनुसूचियों को रटे नहीं, उन्हें समझे उसके बाद कैसे याद कर सकते हैं। तो अनुसूचियां हैं 12। इसके बाद आते हैं भाग की बात। देखिए अभी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भाग ए। तो मैं बता दूं कि संविधान में प्रारंभिक रूप से 18 भाग थे, लेकिन बाद में जो भाग बने हैं वो समय के साथ 4 और जुड़े हैं और 22 भाग हो चुके हैं। आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि संविधान में भाग हैं। देखिए एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि अनुसूचियां पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन भाग और एक अनुच्छेदों का अपना एक कॉन्सेप्ट है कि भाग के अंदर अनुच्छेद बांटे गए हैं। जैसे कि भाग ए में अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 में नागरिकता की बात आती है अनुच्छेद 5 से 11, तो ऐसे करके संविधान के जो संपूर्ण आर्टिकल है उन आर्टिकलों को अनुच्छेदों में बांटा गया है कि इसमें इतने अनुच्छेद आएंगे। तो आपके मन में क्वेश्चन आता है कि जब प्रारंभिक रूप से सारे 18 भाग में सारे अनुच्छेद आ चुके थे तो फिर नए भाग बने कैसे। तो देखिए नए भाग एक्चुअल में उन्हीं अनुच्छेदों को सेटलमेंट करके कुछ नए अनुच्छेद जोड़े हैं और उनको भाग नया नाम देकर कुल 22 भाग हो चुके हैं। तो वर्तमान में 22 भाग है। तो ये हमने पूरा एक बेसिक पढ़ा कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। ये आप इन पे बिल्कुल श्योर रहिएगा और जो मैंने आपको डेटा बताया वो वर्तमान में बिल्कुल सही है। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो से संविधान का भाग ए, और संविधान का भाग ए कहता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ये आप बिल्कुल रट लीजिएगा, नाम याद रखिएगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत कुल 4 अनुच्छेद हैं और इन्हीं 4 अनुच्छेदों में इसके बारे में पूरा विवरण दिया गया है जो हम इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम आते हैं पहले अनुच्छेद पे। ध्यान सुनिएगा, पहला अनुच्छेद कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। और सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो इंडिया यानी भारत से मतलब क्या, ये दोनों शब्द क्यों लिखे गए। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भारत का संविधान बना था तो सबसे पहले जो संविधान निर्माता थे उनके मन में क्वेश्चन था भी कि एक्चुअल में भारत को नाम क्या दिया जाए, इसको भारत कहा जाए पुराने हिसाब से या आधुनिक पे इंडिया कहा जाए, या इसके जो पुराने नाम है हिंदुस्तान, आर्यावाद, भारतखंड, ये दिए जाए। लेकिन फाइनल रूप में जो संविधान में आप नाम देखोगे वो सिर्फ इंडिया और भारत है, हिंदुस्तान जैसा कोई नाम संविधान में नहीं मिलता है। तो आप चीज़ ये याद रखिएगा कि भारत के सिर्फ 2 नाम है, इंडिया और भारत, ये दोनों आपको जो कमर्शियल या ऑफिशियल जो भी कार्य होते हैं उनमें यही नाम मिलेंगे, हिंदुस्तान नाम नहीं मिलता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए तो ये आपको पता पड़ गया होगा। अब यहाँ पर आती है एक चीज़ कि राज्यों का संघ होगा, ये चीज़ क्या है। देखिए इसे समझते हैं, संघ मतलब होता है यूनियन, एक समूह होता है। तो भारत राज्यों का संघ मतलब एक भारत जो देश है वो क्या होगा, तो जो भारत देश है वो सभी राज्यों को मिला के एक समूह बनेगा और पूरा समूह कहलाएगा भारत, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक लाइन कहता हूं कि जो भारत है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। देखिए इससे तात्पर्य यहां पर यह होता है कि भारत में जो राज्य हैं
उन राज्यों से नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। मतलब भारत विनाशी राज्य, अर्थात भारत में जो राज्य है उनका विनाश हो सकता है। विनाश मतलब समाप्ति से नहीं है, विनाश मतलब है कि उन राज्यों से नए राज्यों का निर्माण। तो भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात वो राज्य अपने आप में टूट के दो भाग तो बन सकते हैं, लेकिन कोई भी राज्य भारत से बाहर नहीं जा सकता है। मतलब अंदर नए राज्य बनेंगे लेकिन वो एक भारत के अंदर ही रहेंगे, उसी संघ में रहेंगे। लेकिन यही बात अगर अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में ली जाए तो अमेरिका जो है एक्चुअल में वो है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। मतलब जब अमेरिका का संविधान बना तब से संविधान में उसके 50 राज्य हैं और वही अभी तक बने हुए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत जब बना था तब उसमें 14 राज्य थे और वर्तमान में उनकी संख्या 29 है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि भारत में नए राज्य बन सकते हैं। तो ये जो पहला कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, और इसके तहत जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, ये भी याद रखिएगा, वो सभी अनुसूची एक में लिखे गए हैं। और अनुसूची एक में पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि अनुसूची एक क्या कहती है। तो ये आपको एक आर्टिकल पहला अच्छे समझ में आ गया होगा कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। अब आते हैं हम अनुच्छेद 2 पर। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। देखिए इस अनुच्छेद को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप लोग। नए राज्यों मतलब नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, अर्थात अगर भारत में कोई भी नया राज्य प्रवेश करता है, या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई बाहरी देश या भारत अभी जो संघ है इसके अलावा कोई बाहरी देश का हिस्सा भारत में मिलना चाहता है, तो उसकी जो स्थापना होगी या वो नया राज्य बनेगा तो इस अनुच्छेद 2 के तहत बनेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम किसी बाहरी, जो भारत के बाहरी इलाका है उस पर आक्रमण करते हैं या वो क्षेत्र जीत के अपने हिस्से में ले लेते हैं, तो वो भी अनुच्छेद 2 के तहत राज्य बनेगा। या अगर हमारा कहीं युद्ध होता है और हम जीत जाते हैं तो वो भी भारत का ही हिस्सा होगा वो वाला क्षेत्र। तो जो भी, एक चीज याद रखिएगा कि इसमें जो बाहरी मतलब बाहर से अगर कोई राज्य भारत में आ रहा है उसकी स्थापना की बात अनुच्छेद 2 में करी गई है। जैसे कि हमने आजादी के बाद गोवा हमने इसके अलावा दमन दीव, दादर नगर हवेली ये लिया है, और इसके अलावा जो सिक्किम हमसे आके मिला है 1975 में, इन सारे नए राज्यों की स्थापना इसी आर्टिकल के तहत की गई है अनुच्छेद 2 के तहत, ये याद रखिएगा। जब मैं आपको अनुच्छेद 3 पढ़ाऊंगा तब आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में डिफरेंस क्या है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना मतलब बाहरी राज्यों का। अभी हम भारत के अंदर बनने वाले राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं, और ये सारी शक्ति संसद के पास ही है। ये भी याद रखिएगा कि ये जो सारी शक्ति वो संसद के पास में है कि नया राज्य अगर आता है तो वो किस प्रकार से बनेगा, ये सारी पावर उस संसद के पास में है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 3 पर। अनुच्छेद 3 पढ़िएगा, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों की सीमाओं नामों में परिवर्तन की संसद की शक्ति। अब अनुच्छेद 3 कहता है भारत के अंदर अगर कोई नया राज्य बनता है तो वो किस प्रकार से बन सकता है, उसका सारा प्रोसेस लिखा है अनुच्छेद 3 में। देखिए अनुच्छेद 2 बाहरी क्षेत्रों से जो प्रवेश करते हैं उनके लिए है, जबकि अनुच्छेद 3 भारत के अंदर अगर राज्यों का निर्माण हो रहा है तो उनके लिए है। तो अनुच्छेद 2 आप समझ चुके हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 3 पर। देखिए अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण अर्थात भारत के अंदर कैसे बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर किस किस प्रकार से बन सकते हैं वो समझ सकते हैं। तो पहला ये कि हो सकता है कि एक ही राज्य है उसके दो टुकड़े कर दिए जाएं, ठीक है, एक ही राज्य है उसके दो टुकड़े करके नए राज्य बनाना, या हो सकता है दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना, या किसी संघ शासित प्रदेश को किसी राज्य में मिलाकर एक नया राज्य बनाना, या किसी राज्य से भी कोई अलग निकाल के संघ शासित प्रदेश बनाना। ये अलग अलग प्रकार हो सकते हैं नए राज्यों के निर्माण को लेकर। इसके साथ में एक चीज और है यहाँ पर, सीमाओं व नाम में परिवर्तन। तो देखिए अगर किसी राज्य की सीमा बढ़ानी या घटानी हो तो ये भी अनुच्छेद 3 के तहत ही किया जाएगा, भारत के अंतर्गत कोई राज्य है तो। इसके अलावा नामों में परिवर्तन, तो अगर कोई भी किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है तो उसका भी जो आएगा वो आएगा अनुच्छेद 3 के तहत नामों में परिवर्तन। जैसे कि फिलहाल आपको पता होगा कि अभी पश्चिम बंगाल का केस चल रहा था, जिसमें जो ममता बनर्जी है उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला होना चाहिए। लेकिन आपको पता है कि ये केस उनकी तरफ से तो था, लेकिन ये सारी जो शक्तियाँ हैं ये सब है संसद के पास में। अर्थात अगर संसद चाहे तो ही किसी राज्य के नाम में परिवर्तन हो सकता है, उसकी सीमा घट या बढ़ सकती है,
इसमें राज्यों के पास कोई पावर नहीं होती है। अगर नया राज्य बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं कि आंध्र प्रदेश से अगर तेलंगाना बना है, तो इसमें सारी शक्ति संसद के पास ही है। इसमें जो आंध्र प्रदेश है उसके पास कोई पावर नहीं होती है कि वो अपने राज्य में जो नया राज्य बन रहा है उसे लेकर कोई सहमति प्रदान कर सके। हाँ, अगर कोई राज्य संसद चाहे बनाना तो वो सिर्फ उस राज्य को बता सकती है कि आपके राज्य से नए राज्य का निर्माण हो रहा है और ये बिल पूरा संसद में एक सामान्य बहुमत से ही पारित होता है, और जो राज्य विधानसभा है उसको सिर्फ बताने के लिए ये बिल जाता है, उस पर चाहे वो जो संशोधन सुझाना चाहे मना करे, तो उस पर राज्य की कोई शक्ति नहीं होती है। पूरी शक्ति संसद के पास ही होती है कि वो राज्यों का निर्माण कैसे करें, उनके नामों में परिवर्तन कैसे करें, उनका क्षेत्र बढ़ाना घटाना, ये सारी पावर संसद के पास में ही है। ये जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पर राज्य के पास कोई पावर नहीं है कि वो अपना नाम बदल सके या उससे उसका दो टुकड़े कर सके या उसका क्षेत्र बढ़ा सके, कोई नहीं है। ये पूरी पावर है संसद के पास में ही, ये याद रखिएगा। और ये बिल जो पारित होता है सामान्य बहुमत से होता है, इसमें कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 3 के तहत ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में माइनर सा डिफरेंस है, बहुत सारे इसमें दोनों को कंफ्यूज कर जाते हैं। तो 2 देखिए बाहर से जो राज्य आ रहे हैं उनके लिए है, और ये यहीं पर अगर भारत में कोई राज्य बन रहे हैं तो उनके लिए आता है अनुच्छेद 3। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं अनुच्छेद 4 पर। अनुच्छेद 4 बड़ा सिंपल सा है कि आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 2 और 3 दोनों आएंगे इसमें, इनके तहत किए गए बदलाव को अनुसूची 1 और 4 में संशोधन नहीं माना जाएगा। देखिए इसके लिए आपको यह जानना आवश्यक है कि अनुसूची 1 और अनुसूची 4 कहती क्या है, तो मैं पहले बता चुका हूँ, अभी हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए अनुसूची 1 में आपको पता है तो सारे राज्यों की लिस्टों के नाम लिखे हुए हैं हूबहू, कि जो जो राज्य है उनकी पूरी लिस्ट, इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब एग्जाम्पल के लिए अगर कोई नया राज्य बन रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका नाम जो है उस लिस्ट में चढ़ना ही चढ़ना है। तो अगर नया नाम चढ़ा तो ये चढ़ेगा अनुसूची 1 में, और अगर नया राज्य बना तो अनुसूची 4 के तहत उसकी भी राज्यसभा की सीटें आएगी, तो अनुसूची 4 में भी नया एडिशन होगा। तो यहाँ पर फिर एक चीज़ आती है कि अगर अनुसूची में परिवर्तन हो रहा तो क्या उसके लिए फिर संविधान संशोधन का बिल आना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात कहता है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 ने सुविधा दी है कि अगर नया नाम बना, नया राज्य आया, तो उसमें अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप सोचिए कि यहाँ पर सामान्य बहुमत से एक बिल पारित हो रहा है, उसके बाद में फिर संविधान संशोधन करना पड़े, तो सारी चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो आप अनुच्छेद 4 एक बार देखिएगा कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए बदलाव अनुसूची 1 और 4 में संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। यहाँ पर हमने अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ी है, लेकिन इसके साथ में मैं आपको एक केस और बता देता हूँ कि एक केस था कुछ इसका कि क्या भारत में, ठीक है, एक केस आता है जिसका नाम है बेरुबाड़ी वाला केस, कि क्या भारत में, ध्यान सुनिएगा, कि क्या भारत सरकार जो है वो अपने क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे सकती है। ये केस आया था 1960 में सर्वोच्च न्यायालय में, और ये मामला था बेरुबाड़ी का, बेरुबाड़ी संघ का मामला था। एक्चुअल में जो बेरुबाड़ी है वो एक पश्चिम बंगाल में एक इलाका था, जो उस वक्त 1960 में जब बांग्लादेश नहीं था, वहाँ पर पास में पूर्वी पाकिस्तान था, तो कुछ क्षेत्र जो था वो अलगाववाद के कारण यहाँ, या मैं कहूँ वहाँ पर कुछ लोगों ने विद्रोह किया था, और वो लोग पूर्वी पाकिस्तान में उस वक्त मिलना चाहते थे। तो भारत सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से यही पूछा था कि क्या अनुच्छेद 2 या 3 में कोई ऐसा प्रावधान है जिसके तहत भारत अपना राज्य किसी दूसरे राज्य को दे सके बिना किसी संविधान संशोधन के। तो 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ मना किया कि बिना संविधान संशोधन के भारत अपना राज्य क्षेत्र किसी दूसरे देश को नहीं दे सकता। लेकिन फिर 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसके तहत ये कहा गया कि अगर कभी सीमा पर क्षेत्रों का अदल बदल हो, ठीक है, देना नहीं, सिर्फ अगर स्थानांतरण हो, तो उसके तहत बिना संविधान संशोधन के वो कार्य किया जा सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि 2015 में एक 100वां संविधान संशोधन आया था जिसके तहत बांग्लादेश और भारत के कुछ गांव आपस में बदल दिए गए थे, कि कुछ क्षेत्र गांव हमने बांग्लादेश को दिए थे और बांग्लादेश के कुछ गांव हमारे क्षेत्र में आए थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो बात है बेरुबाड़ी संघ का, ये भी याद रखिएगा, बेरुबाड़ी थोड़ा अलग मैटर है कि अगर सिर्फ देना है हमें
तो उसके लिए संविधान संशोधन चाहिए होगा। लेकिन अगर स्थानांतरण करना है एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र में, तो उसके लिए हमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमने अनुच्छेद 3 में चीज देख ली है कि नए राज्यों का निर्माण हो रहा है। तो भारत में जब एक बात आती है कि जब भारत देश आजाद हुआ, उसके बाद एक स्थिति आती है कि भारत में एक देश में एक विद्रोह सा उत्पन्न होता है नए राज्यों के निर्माण को लेकर। लेकिन एक चीज सामने आती है कि नए राज्यों का निर्माण किया कैसे जाए या उनके लिए क्या परिस्थितियां उत्पन्न होगी। तो ये मामला सबसे पहले आता है, धीरे धीरे देश में एक मांग उठती है कि भारत में जो होना चाहिए नए राज्यों का निर्माण, वो होना चाहिए भाषाई आधार पर। तो इसके लिए कुछ कमिटी आती है, हम पहले वो देख लेते हैं। तो इसमें प्रारंभिक रूप से कमिटी आती है एसके धर कमिटी, ये आती है 1948 में। ये स्पष्ट रूप से ये बात कहती है कि भारत में नए राज्यों का निर्माण एज प्रशासनिक सुविधा पे होगा, ना कि भाषाई आधार पे। इसकी समिति की बात सही से भी नहीं सुनी जाती है। फिर पुनः 1948 में ही एक और समिति आती है, जे वी पी समिति। इसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया तीन लोग शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों की एक समिति बनती है और ये भी यही बात कहती है कि भारत में नए राज्यों का निर्माण एज प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, भाषा आधार पर नहीं। लेकिन फिर आप देखोगे कि आंध्र प्रदेश का निर्माण जो हुआ था फर्स्ट बार, वो हुआ था भाषाई आधार पर। तो बाद में ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि भारत में राज्यों का निर्माण भाषा आधार पर हुआ, इसके लिए हम ये जो चीज है राज्यों का पुनर्गठन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के वीडियो में हम भाग एक देखा है, जिसमें हमने अनुच्छेद 4 और एक बेरुबड़ी का मामला और दो समितियां देखी है। ठीक है, तो आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। बीच में अगर आपको वीडियो समझ नहीं आता तो पॉज करके इसके नोट्स जरूर प्रिपेयर कीजिएगा काफी अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए बाकी का हम वीडियो करते हैं अगले, जो करना है हमें नेक्स्ट अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद आपका।